ऑल राइट गाइस, तो कैसे हो। तो आज के इस वीडियो में ना आप लोग को सिखाने वाला हूँ कि कैसे मॉडल के पीछे कुछ इस प्रकार से आप टेस्ट लिख सकते हो या किसी भी सॉन्ग का लिरिक्स लिख सकते हो एंड कैसे आपको लिरिक्स को कुछ इस प्रकार से एनिमेशन के द्वारा मूव कराना है। ठीक है, तो इस टाइप का वीडियो आप कैसे बना सकते हो एकदम स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो ये वाला वीडियो इंस्टाग्राम रील्स पर काफ़ी वायरल चल रहा है। ठीक है, तो इस टाइप की वीडियो बनाना बहुत ही आसान है, बस यहाँ पर आपको वीडियो को बिना स्किप किए देखना होगा। तो फटाफट यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको सिखाते हैं कि कैसे बनाना है। इसके लिए चाहिए कैपकट ऐप, जो कि आपके पास होगा ही। तो कैपकट ऐप को इधर से ओपन कर लेना होगा, वीपीएन वगैरह आप कनेक्ट कर लेना प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद। अगर आपके पास कैपकट ऐप नहीं है तो वीडियो को पूरा देखना, बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है। न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन पे टिक करना होगा। नॉर्मल से वीडियो को आपको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना होगा, जिस वीडियो को आप यहाँ पे एडिट करने वाले हो। सो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से नॉर्मल से वीडियो है, लास्ट में आके ब्लैक लेयर शो करके इसको आप डिलीट कर दें, यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है। तो अगर आप म्यूजिक के हिसाब से लिरिक्स लिखना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ से आप ऑडियो ऐड कर सकते हो, जैसे कि ऐड ऑडियो का ऑप्शन शो कर रहा है, तो इस पर क्लिक करके एक्सट्रैक्टेड पे टिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपकी वीडियो वगैरह शो करेंगे। तो जिस भी वीडियो का आप ऑडियो निकालना चाहते हो, सिंपली आपको उस वाले वीडियो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा, उधर ऑडियो में कट के चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं जो वीडियो स्टार्टिंग में देखे थे ना, उसी वाले वीडियो को हम सिलेक्ट करते, इधर ऑडियो में आ चुका कुछ इस प्रकार से। तो जहाँ तक वीडियो है लिरिक्स का भी लेंथ, वही तक आपको कर लेना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको लिरिक्स लिखना स्टार्ट करना होगा। ठीक है, तो वैसे जो सॉन्ग में बोल रहा है, ठीक है, तो क्या आ रहा है स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे सुन लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको म्यूजिक वगैरह सुना नहीं सकता हूँ, कॉपीराइट वगैरह इश्यू है। तो जैसे कि यहाँ पे हम कुछ लाइन लिख दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो गाइस, तो कैसे हो। ठीक है, हम ये लिख रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो म्यूजिक में बोले ना, आपको सिंपली वो टाइप करना होगा। तो नॉर्मली आपको बस सिखा रहा हूँ, ठीक है, आपको म्यूजिक के हिसाब से वीडियो को एडिट करना होगा। तो यहाँ से हम बैक कर लेते हैं, तो यहाँ पे शो करके टेस्ट का ऑप्शन क्लिक करना होगा, शो करके ऐड टेस्ट का ऑप्शन क्लिक करना होगा, लिखने का ऑप्शन यहाँ पे खुल के निकल, मतलब यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा भाई टाइप कर लेता है, जैसे कि तुम्हारा भाई यहाँ पे टाइप कर दिया हेलो गाइस कैसे हो। ठीक है, सो कुछ इस प्रकार से तुम्हारा भाई लिख चुका है। अब यहाँ पे फोन वगैरह अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फोन का ऑप्शन शो करे, इस पर क्लिक करके यहाँ पे ढेरों सारे फोन मिलेंगे। तो आप किसी भी एक अच्छा सा फोन को अप्लाई कर लेना अपने वीडियो में, जो आपको अच्छा लगे आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, या ट्रेंड वाला जो है इसको भी आप यूज कर सकते हो। तुम्हारा भाई ट्रेंड वाला लगा चुका है। सो कुछ इस प्रकार से लिरिक्स को यहाँ पे इतना पकड़ के आपको कर लेना होगा। ठीक है, सो इतना करने के बाद स्टाइल वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद सबसे पहले तुम्हारा भाई यहाँ पे कलर ऐड कर लेता है वीडियो में, तो नीचे यहाँ पे ढेरों सारे कलर मिलेंगे। ठीक है, तो उस वीडियो में ना वाइट था एंड जो शेडो दिया गया था वो येलो था। ठीक है, तो तुम्हारा भाई यहाँ पे सबसे पहले जो कलर है इसको वाइट ही रखेगा। ठीक है, तो वाइट यहाँ पे तुम्हारा भाई कलर कर लेता है। सो इधर आप स्लाइड करोगे यहाँ पे शो के शेडो का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो शेडो में यहाँ तुम्हारा भाई ना ब्लैक या येलो रख लेता है। ठीक है, तो उस वीडियो में येलो था, तो यहाँ पे हम येलो लगा रहे हैं, बट यहाँ पे येलो सही से दिख नहीं रहा, पीछे लाइट जो कि येलो कलर का है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा भाई ब्लैक लगाएगा। सो यहाँ पे ब्लैक कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से आप एडजस्ट कर लेना। सो यहाँ पे जो ब्लर है ना, इसको कुछ इस प्रकार से बढ़ा दोगे तो यहाँ पे ज़्यादा शेडो आ जाएगा, जो कि देखने में काफ़ी खतरनाक लग रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। या अगर सर एक क्लिक में आप इस टाइप का फोन वगैरह लगा सकते हो, कलर ऑटोमेटिक यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, सो इतना काम हो चुका है। तो इतना काम करने के बाद देन यहाँ पे ना एक ऑप्शन शो करेगा इफेक्ट का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इफेक्ट में भी आप यहाँ से कलर वगैरह अप्लाई कर सकते हो एक क्लिक में। ठीक है, शेडो वगैरह लग जाएगा। तो जैसे मैं बताया था, सिर्फ आपको ऐसे करना होगा, देन एनिमेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। ठीक है, सो यहाँ पे गई सर जो एनिमेशन डाला गया था ना, वो काफ़ी ट्रेंडिंग है। तो एनिमेशन पे क्लिक करने के बाद इन आउट लूप शो करेगा, तो इन वाले को छोड़ देना चाहो तो आप इन में लगा सकते हो। तुम्हारा भाई लूप पे क्लिक करेगा। ठीक है, तो लूप पे क्लिक करने के बाद ना वो वाला यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वेव 3 करके शो कर रहा है। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा, शो कुछ इस प्रकार से वीडियो में ये वाला, सॉरी फोन में कुछ ये पर इस प्रकार से ये वाला एनिमेशन ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गई सर फास्ट स्लो करने का ऑप्शन शो कर रहा है। इधर आप राइट साइड बढ़ाओगे तो यहाँ पे थोड़ा स्लो काम करेगा। ठीक है, इधर लेफ्ट साइड में करोगे फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा हमको स्लो रखना होगा, म्यूजिक के हिसाब से आप रखना है। ठीक है, सो यहाँ पे तुम्हारा भाई 1.5 PS रखेगा, देन यहाँ से हम डन कर देते हैं। ठीक है, सो कुछ इस प्रकार से ये वीडियो में लग चुका है। ठीक है, तो म्यूजिक कहाँ तक है, मतलब जहाँ तक एक ही बार अगर आप इसको लाना चाहते हो, जैसे कि मैं एक ही बार इसको लाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम इसको कुछ इस प्रकार से इतना हम कम कर लेते हैं। सो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से वीडियो में लग चुका है। ठीक है, तो एक लाइन और तुम्हारा भाई लिख लेता है। ठीक है, तो म्यूजिक में क्या आगे बोल रहा है आप वो लिख लेना। तो दोबारा लिखने के लिए इस पर आपको क्लिक करना होगा, शो करके यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, डुप्लीकेट का ऑप्शन, डुप्लीकेट हो चुका है। तो लेयर पे किसी एक क्लिक करके आगे बढ़ा लेना जहाँ पे आपको टाइप करना है, तो फिर से इस पर आपको क्लिक करना होगा। दोबारा आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे टाइप करने का ऑप्शन निकल के आ जाएगा, तो पहले जो लिखे थे यहाँ से तुम्हारा भाई हटा लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख दिए लाइक सब्सक्राइब कमेंट, देन यहाँ से हम डन कर देंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिक सब कुछ लग जाएगा, क्योंकि हम कॉपी किए थे पीछे वाले लिरिक्स को। ठीक है, मतलब पीछे वाले
लेयर को, ठीक है। सो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो ऐसे ही करके आप गाने को भी लिख सकते हो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सो यहाँ पे गई सर जो मॉडल है ना उसके आगे इसको हमको बैक में करना है, मतलब पीछे करना है, तो इस वाले वीडियो को ना एक बार आपको गैलरी में एक्सपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे रेशियो 1080 कर लेते हैं, देन यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं, तो इधर से ये वाला वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो सेव हो जाने के बाद फिर से आपको बैक कर लेना होगा, फिर से न्यू प्रोजेक्ट पर टिक करना होगा जिस वीडियो को अभी आप एक्सपोर्ट किए थे, तो आपको फिर से उस वाले वीडियो को यहाँ पे ऐड कर लेना होगा, ठीक है। सो ऐड करने के बाद लास्ट में आके ब्लैक लेयर को डिलीट कर देना, देन अब आपको आगे आ जाना होगा। आगे आने के बाद यहाँ पे शो के ओवरले का ऑप्शन क्लिक करना होगा, ऐड ओवरले पे टिक करना होगा, तो फिर से आपको वही पुराना वाला वीडियो को ले लेना होगा जिस वीडियो को हम एडिट नहीं किए थे, ठीक है, सिर्फ लिए थे। तो फिर से ये वाला वीडियो आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। सो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन कर लेना होगा, मतलब आपको सिर्फ यहाँ पे फुल स्क्रीन करना होगा सेम साइज में, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं ज्यादा छोटा, ठीक है। सो इतना काम करने के बाद यहाँ पे आप इधर स्लाइड करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा कट आउट का ऑप्शन या रिमूव बीजी का ऑप्शन क्लिक करना होगा, ऑटो रिमूवल पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे ना यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा आपको वेट करना, ठीक है। यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, ठीक है। सो यहाँ से हम डन करेंगे, अगर आपको स्टार्टिंग से वीडियो को प्ले करके दिखाऊँ ना तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हो वीडियो के बैकग्राउंड में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। सो कुछ इस प्रकार से आप इस ट्रिक से आप इस टाइप का वीडियो बना सकते हो, टेस्ट बिहाइंड वाला वीडियो, ठीक है। तो कैसा रहा वीडियो कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। तो म्यूजिक ऐड करने के बाद कुछ इस प्रकार से म्यूजिक का भी आप लिरिक्स लिख सकते हो, आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करके वीडियो को गैलरी में एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। कैपकट फ्री में डाउनलोड करने के मेरे टेलीग्राम से जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में।